बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों मैं हूं वकास और आप देख रहे हैं दी नॉलेज हब। दोस्तों आज आपके सामने बात करने वाले हैं कि 9वीं से लेकर 12वीं क्लास के तलबात के इम्तिहानात का जो सा फैसला हुआ है उसके बारे में। दोस्तों 10वीं और 12वीं जमात के इम्तिहानात की डेट शीट जारी कर दी गई है। 10वीं क्लास के इम्तिहानात का आगाज़ 18 जून से होगा, जबकि 12वीं जमात का इम्तिहानात जो कि 3 जुलाई से आगाज़ उनका होगा। नाज़रीन ये बात वाज़ह रहे कि 9वीं और 11वीं जमात को प्रमोट कर दिया गया है अगली क्लासों में। तो नाज़रीन 10वीं और 12वीं क्लासेस का आगाज़ ईद के बाद सख्त SOPs के तहत किया जाएगा, जबकि 9वीं और 11वीं क्लासेस फिल वक्त बंद रहेंगी। इस बार तलबा से प्रैक्टिकल्स जो से नहीं लिए जाएंगे। नए तालीमी साल का आगाज़ 15 अगस्त से होगा। दोस्तों 1 जुलाई से 15 अगस्त तक मौसम गर्मा के तातिलात होंगी, यानी कि उसके तहत छुट्टियाँ होंगी। और उसके बाद नाज़रीन एक बड़ी ख़बर यह है कि तमाम बोर्ड्स को यह हदायत कर दी गई है कि 45 दिनों के अंदर अंदर जो सा है रिज़ल्ट है वो देंगे, ठीक है जी। इस दफ़ा जो सी बैड न्यूज़ है दोस्तों वो 10वीं और 12वीं जमात के लिए है, जिनको के बग़ैर इम्तिहानात प्रमोट नहीं किया जाएगा। जब तक वो पेपर्स नहीं देंगे उनको नेक्स्ट क्लास में नहीं भेजा जाएगा। शफकत महमूद कल NCOC से इजलास किया गया, जिसमें उन्होंने ये बात वाज़ह कर दिया है 9वीं और 11वीं जमात को वक्त प्रमोट कर दिया गया है अगली क्लासों में, यानी कि वो पास हैं उनको प्रमोट कर दिया गया नेक्स्ट क्लासेस में, वो अब नई क्लासेस में बैठेंगे। लेकिन 10वीं और 12वीं जमात के जो से बच्चे हैं बैड न्यूज़ उनके लिए है, उनको पेपर देने के बगैर प्रमोट नहीं किया जाएगा, ठीक है जी। तो आज ये बड़ी न्यूज़ थी, तो मैंने आप तक पहुँचाना ज़रूरी समझा। नेक्स्ट कोई न्यूज़ आएगी इससे रिलेटेड तो मैं आप सबको ज़रूर बताऊँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।